हेलो व्रीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम डिस्कस करेंगे सीटिट का सीटिट का चैप्टर नंबर जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट स्टैटिक दे कीप ऑन चेंजिंग लेट्स अंडरस्टैंड दिस चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहने का अर्थ है ये है कि जितने भी मानो या ह्यूमन बींग हैं वो एक ही जगह रुके नहीं है मतलब कि वो चलते रहते दे आर नॉट स्टैटिक दे की ऑन चेंजिंग जैसे एग्जाम्पल है कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है तो ये ऐसा तो नहीं कि वो रुका रहेगा उसकी वो उतना छोटा रहेगा धीमे धीरे चेंजेस आएंगे उसकी बॉडी में हारमोन चेंजेस फिजिकल चेंजेस आते हैं तो इसका मतलब तो इसी आज उसी टर्म से हम पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में आइए सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रोथ क्या है ग्रोथ इज अ चेंज इन क्वानिटेट क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ बॉडी मतलब जो ग्रोथ है जो बढ़ती रहती है बॉडी की ठीक है एंड सेकेंड पॉइंट चेंजेस डेट कैन भी मेजर सजेस हाइट वेट साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं एक तो हाइट uh, बढ़ती है वेट बढ़ता है शेप चेंज होता है बच्चा छोटा होता है फिर बड़ा होता है उसका सेप चेंज हो जाता है शेप इंटर पूरी तरह से नहीं सो जैसे चेहरे का चेहरा थोड़ा सा चेंज होता है एंड द बॉडी टाइप बॉडी टाइप बदलता है तीसरा पॉइंट है ग्रोथ इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इट कोर्स ऑन टिल मेच्योरिटी ग्रोथ क्या है ऐसा तो नहीं कि तुम जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है तो ऐसा तो नहीं कि हम जब तक तो जिंदा है तो बढ़ते 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 पता नहीं कितने बार हो जाएंगे लेकिन एक सर्टन टाइप पे वो रुक जाएगी तो जब तक मेच्योरिटी है तब तक रहेगी ठीक <coughs> आइए अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में डेवलपमेंट रिफर्स टू अस्टमेटिक चेंज विच लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस थ्रू आउट हिस लाइफ लॉन्ग एग्जाम्पल गोइंग फ्रॉम वूम टू टूम वूम टू टू मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चा जब माँ की पेट से लेके और टू मतलब कब्र तक जो भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलते हैं उस, उसको कहते हैं डेवलपमेंट सेकंड पॉइंट इट मींस डेवलपमेंट बिकम्स बिगेंस बिफोर बर्थ इसका कहने का मतलब यह है डेवलपमेंट बर्थ से पहले ही चालू हो जाता है बच्चा जब पेट में रहता है तभी डेवलपमेंट चालू हो जाता है एग्जाम्पल फ्रॉम प्री प्री नाइटल पीरियड प्री नाइटल पीरियड मतलब होता है जो, न, जो आ, एक से लेके नौ नो जो वन टू नाइन मंथ का पीरियड होता है उसको प्री नाइटल पीरियड बोलते हैं और फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कंटिन्यू टिल एन इंडिविजुअल डाइज टू कम ऑन डाइस हीजुअल ग्रोथ इन मेनी वेज सच फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल अब डेवलपमेंट जब होता है बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है तो उसके फिजिकल चेंजेस आते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होता है उसके हाथ पैर बड़े होते हैं मेंटल उसके सोचने की पावर पावर बढ़ता है जैसे उसकी रीजनिंग तर्क शक्ति बढ़ जाती है इमोशनल अटैचमेंट मामा मम्मी पापा से अटैचमेंट प्यार दोस्तों से प्यार नाउ आगे पढ़ते हैं डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड रिलेटिव परमानेंट चेंजेस एंड दिस चेंज कैन नॉट बी रिजर्व चेंजेस विच ऑकर ड्यू टू सम इलनेस और टाइडनेस डज नॉट गेट काउंट इन डेवलपमेंट यहाँ पर कहने का ये मतलब है डेवलपमेंट इंक्लूड प्रोग्रेसिव एंड रिलेट टू परमानेंट चेंजेस मतलब वो निरंतर रिलेट टू परमानेंट चेंजेस आते रहते हैं दिस कैन भी और सपोज़ करिए एक बार आपकी हाइट बढ़ गई तो ऐसा तो नहीं कि फिर अब हाइट बढ़ गई उसके बाद आप हाइट छोटे हो जाओगे ठीक है या कोई ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी हाइट बढ़ गई तो आप दोबारा छोटे नहीं हो सकते अब वो चेंज नहीं हो सकता है ठीक है और दूसरी चीज़ ये कहते हैं मतलब अगर कोई बीमारी आपको लग गई है ठीक है यह बीमारी के कारण कुछ हो गया है यहाँ पे लिखा है सम इलनेस और टाइटनेस डस नॉट काउंट इन डेवलपमेंट ये बीमार हो गया या कुछ हो गया तो वो डेवलपमेंट में काउंट नहीं होता है आगे डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इंक्लूड ग्रोथ मैच्येशन एंड लर्निंग इन इट्सल्फ डेवलपमेंट कंटिन्यू चलती रहती है इसमें ग्रोथ आती है मतलब आप ग्रोथ मैच्यशन एंड लर्निंग इट्सल्फ हम अपने आप ही कुछ सीखते रहते हैं ग्रोथ ग्रोथ फिजिकल और क्वान्टिटिव चेंज कैन बी मेजर्ड इन दिस मेजरिंग यूनिट सच चेंज इन हाइट वेट से देखा जाए तो डबल बात यही की जा रही है हाइट वेट शेर ओसाइप अब आगे बढ़ते हैं अब आ, आती बात बात मेच्योरेशन क्या होता है मेच्योरटी इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द इन्वॉल्वमेंट इन एन अप्रोप्रिएट मैनर एंड हाई एंड इज हाईली रिलेटेड टू हेटरिटी एग्जाम्पल अ चाइल्ड ऑफ टू ईयर एज कैनॉट परफॉर्म टास्क ऑफिस होम ही इज मेच्योर और फिजिकली हु इज नॉट मेच्योर फिजिकली कहने मतलब ये है मैचोरिटी इज एबिलिटी टू स्मॉल मेच्योरिशन मतलब क्या होता है बच्चा अगर बच्चा अगर परिपक् है तो वो इन्वायरमेंट काम कर सकता है अगर परिपक्व नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता है ठीक है अब पढ़ते हैं हम डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं उनके में जानते हैं सबसे पहले है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव ग्रोथ क्या है ग्रोथ को हम लोग नाप सकते हैं जैसे कि किसी की हाइट बढ़ी तो हम देख सकते हैं तीस सेंटीमीटर बढ़ा वेट बढ़ा कितो कितने किलोग्राम वेट बढ़ा लेकिन डेवलपमेंट के केस में क्या है डेवलपमेंट इज बहुत क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अब डेवलपमेंट क्या है क्वान्टिटेटिव उसको माप तो सकते हैं पर क्वान क्वालिटेटिव कौ, भी है अब आपके अंदर क्या क्वालिटी आई आपने क्या सीखा ये सब डेवलपमेंट के अंदर आता है ग्रोथ के अंदर से वही आता है जो हम मेजर कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल एस एक्स्पेक्ट ऑनली ग्रोथ क्या है सिर्फ फिजिकल एक्सपेक्ट जैसे एग्जाम्पल बात की गई थी आपकी सेप साइज वेट इस मतलब कि जिसमें हम तोल सकते हैं ठीक है डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट है फिजिकल कॉकनेटिव इमोशन एंड सोशल और डेवलपमेंट में सब कुछ आता है साइज मतलब वेट क्या बोलते हैं फिजिकल फिजिकल तो आता है साथ में कॉग्निशन मतलब हमारे मेंटल सोचने की सोचने की तर्क तर्क शक्ति इमोशनल इमोशन क्या होता है प्यार एक इमोशंस आते हैं हर बंदे के अंदर इमोशंस होते हैं मम्मी मा, माँ बाप के लिए प्रति, प्रति प्यार या फिर अपनी वाइफ के लिए प्यार लाओ कम टू थर्ड पॉइंट ग्रोथ स्टॉप एट सटन पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है जब आप पूरे मेच्योर हो जाते हो डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट कंटिन्यू स्टिल डेथ डेवलपमेंट हमेशा चलती रहती है जब तक आपकी डेथ नहीं होती है ग्रोथ कैन बी मेजर ग्रोथ को हम आप सकते हैं डेवलपमेंट कैन नॉट भी मेजर डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑनली कैन बी एसर्ड उसको मेजर नहीं कर सकते सिर्फ उसको आकलन किया जा सकता है बस इंक्लूड अब ग्रोथ क्या, growth, uh, include structural change. Growth क्या change है ग्रोथ इंक्लूड स्ट्रक्चरल चेंज ग्रोथ में क्या होता है सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है पर डेवलपमेंट में क्या होता है इंक्लूड बोड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अब डेवलपमेंट क्या होता है एक तो स्ट्रक्चर तो चेंज होता है लेकिन फंक्शनल सोचने मतलब कैसे हम काम करते हैं एक्टिविटी करते हैं ये सब इसके अंदर इंक्लूड करते हैं अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टाइप डेवलपमेंट के टाइप्स कितने हैं पहला होता है फिजिकल फिजिकल जो हमारा शारीरिक है कॉग्निशन जो दिमाग से इमोशनल जो प्यार वगैरह है मोरल जो हम समाज में दे सकते हैं लैंग्वेज हमारी कैसी भाषा है सोशल सामाजिक हो गई फिजिकल डेवलपमेंट क्या कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट रिफर्स टूअर टू द डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मस्कुलर बोन एंड ऑर्गन फिजिकल डेवलपमेंट उससे फिजिकल डेवलपमेंट हमारा वो बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है मसल्स का बोन्स का और ऑर्गन का वो फिजिकल डेवलपमेंट बच्चा छोटा है धीमे धीमे बड़ा है मतलब उसकी हड्डियाँ भी बड़ी हो रही हैं मसल्स बड़ी हो रही हैं तभी तो ग्रो कर रहा है इट इंक्लूड बोथ मोटर डेवलपमेंट आल्सो विच मीन्स टू गेन बेटर कंट्रोल ओवर अ बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी विच हेल्प अस टू मेनुपलेट द इन्वॉलमेंट एक मोटर डेवलपमेंट अब आइए डिस्कस करते हैं आप मोटर मोटर डेवलपमेंट इज ऑफ टू टाइप दो प्रकार के मोटर डेवलपमेंट होते हैं पहला क्या होता है एक होता है क्रॉस होता है एक फाइन होता है क्रॉस मोटर क्या होता है विच इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज मसल्स इन द चाइल्ड बॉडी द मसल हेल्प अस टू सिट स्टैंड वॉक एंड दन ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है जो हमारी बड़ी बुन होती है बड़ी मसल्स होती है जैसे हम भागते हैं दौड़ते हैं बैठते हैं ठीक है तो ये ग्रॉस मोटर में आता है ठीक है जहाँ पे हमारी बड़ी मसल्स का उपयोग हो रहा है उसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर फाइन मोटर का मतलब क्या होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या विच इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी स्पेशली इन द हैंड दीज मसल हेल्प अस इन एक्टिविटी लाइक राइटिंग ड्राॅइंग थ्रोइंग गैसपिंग एक्सेट्रा फाइन मोटर्स में क्या होता है कि हम छोटी बोन्स का यूज़ करते हैं जैसे लिखने के काम हम लिखते हैं उंगलियों उंगलियों से लिखते हैं ना उंगलियों से पेन पकड़ के मतलब जिसमें हम मतलब फाइन काम करते हैं या ड्राइंग बनाते हैं ड्राइंग हम बड़ी बड़ी मसल से नहीं बना सकते हैं छोटे छोटे काम जैसे एग्जाम्पल देता हूँ लड़कियों का आई लाइनर आई लाइनर तो तो ब्यूटी पार्लर में जाते हो तो लड़के आई लेने लगाती हैं बड़ा धीमे धीमे से वो छोटी छोटी मसल से तो लगाती हैं छोटी छोटी मसल से पेन को पकड़ के आई लेने लगाती हैं तो यहाँ पे वो एग्जांपल आएगा ग्रॉस मोटर फाइन ग्रॉस मोटर तो मतलब जहाँ पे बड़ी मसल का यूज़ हो रहा है फाइन मोटर का मतलब होता है जहाँ पर छोटी मसल का यूज छोटी मसल देखो अब अब ये दोनों अगर मैं आपको बताऊँ ग्रॉस और फाइन का कहाँ पर दोनों में यूज़ हो रहा है जैसे बॉल ओवर है जो प्लेयर बॉल लेकर हाथ में भाग रहा है अब भाग रहा है पैर चल रहे हैं और हाथ घुमाएगा ठीक है तो वो तो ग्रॉस में आ जाएगा लेकिन जब स्विंग करेगा अपने उंगलियों से तब तो वो होगा फाइन मोटर ठीक है समझ गया चलिए अब थर्ड अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी थिंकिंग रीजनिंग इमेजिनेशन पावर एंड प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें मेंटल ये दिमाग से सोच होता है इसके अंदर इसके अंदर क्या आता है बच्चा डेवलप हो जाता है सोचने के लिए रीजनिंग लगाने तर्क लगाने के लिए और इमेजिनेशन मतलब सोचता है कि ऐसे नहीं तो वैसे नहीं और मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग तो कई चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि क्वेश्चन हो गए मैथ्स के या फिर किसी की कोई प्रॉब्लम हो गई उसको सॉल्व करना है तो एक कोऑर्डिनेटिव मतलब दिमाग संबंधित हो गई अब आती है बात लैंग्वेज डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या आता है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉकनेटिव डेवलपमेंट ये बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इन लैंग्वेज डेवलपमेंट वी एक्वाइर्ड द टू लर्न इसमें हम ये सीखते हैं कैसे हम कैसे हमको जो हम टू uh, लर्न इसमें हमें पता चलता है हम कैसे सीखते हैं चीज़ों को एंड यूज़ कंपनियन एंड मैनिपल स्किल ऑफ लैंग्वेज जैसे मान कि हमारे स्कूल में कोई सिखाया गया कि मैथ मैथ का मैथ का क्वेश्चन ऐसे लगाया जाएगा ठीक है और हमको फिर दूसरा दिया गया तो अगर हमने वहाँ से सीख लिया तो हम अगला क्वेश्चन कैसे लगाएंगे वो यहाँ पर काम करेगा लैंग्वेज डेवलपमेंट पर अदर इमोशनल डेवलपमेंट आ जाइए इमोशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी टू रिकोनाइज एक्सप्रेस एंड कंट्रोल ओवर इमोशन इट कम्स अंडर द सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट इज क्या एबिलिटी होता है हम किसी चीज़ को रिकोनाइज हान पाते हैं या उस चीज़ को जानने के बाद हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने इमोशन अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे करते हैं ये सब इसके अंदर आता है फिर आता है सोशल डेवलपमेंट इट इज़ द एबिलिटी टू अकोमोडिएट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड्स वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इसमें क्या होता है ये एक एबिलिटी होती है अपने 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 खुद के अंदर कि हम कैसे उस वैल्यू को वन वन सेल्फ अपने आप में वैल्यूज़ वैल्यूज़ को समझें नॉर्म्स और सोसाइटी में चलना जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको हम कैसे फॉलो करें सच एज़ कॉपरेशन लोगों के बीच में कैसे कॉपरेट होकर रहें एंड लीडिंग हेल्थी रिलेशन और लोगों से कैसा व्यवहार करें एंड विद पीपल इन सराउंडिंग और जो हमारे आस पास रहते है हैं उनके उनके उन, उनके साथ में तो कहने मतलब यही है सोशल के हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो सबके साथ मिलजुल के रहें लास्ट आता है मोरल डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट क्या है मॉरल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट मॉरल डेवलपमेंट क्या है सोशल डेवलपमेंट का ही एक भाग है विच मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ वन एबिलिटी जिसका मतलब है कि अपनी खुद की डेवलपमेंट टू टेक डिसीजन हम अब अब हम खुद डिसीजन ले सकते हैं टेक डिसीजन अबाउट राइट और रॉन्ग अब हम खुद डिसीजन ले सकते हैं क्या गलत है और क्या सही है ठीक है आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ में आया होगा अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल Thank you.